चैनल कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। बहुत दिनों से मुझसे एक हैं जो मुझसे बोल रहे थे कि दी मुझे फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए कोई होम रेमेडी बताइए। तो आज मैं उनकी ही रिक्वेस्ट पर आपके लिए ये लेकर आई हूँ आप सबके लिए, वो फेशियल हेयर रिमूव करने का पैक जो मैं आज आपको घर में घर की चीज़ों से बनाकर बताऊंगी। और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगा। आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं अपर लिप्स पे, फॉरहेड पे, यहाँ पे आपने देखा होगा चिन में, इस एरिया पे होते हैं, तो ये जो फेशियल हेयर्स हैं अच्छे नहीं लगते। फ्रंट में आपके पूरे फेस पर नज़र आते हैं, तो किसी को बहुत लाइट होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, डार्क ब्लैक ब्लैक से होते हैं। तो ये जो मैं आज आपको पैक बताने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप यूज़ करेंगे ना तो इससे आपके फेशियल हेयर धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। पहली बार में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके फेशियल हेयर पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। पार्लर में जाके आप वैक्स कराते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए। फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। यहाँ पर आपको वैक्स कभी भी नहीं कराना चाहिए। वैक्स कराने से पोर्स ओपन होने की प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव हो जाएगी, रेडनेस आ जाती है। और ये स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो ये ढीली होने लगती है बहुत जल्दी। आपकी स्किन बहुत ढीली हो जाएगी, टाइटनेस नहीं रहेगी। और हेयर रिमूवल जो क्रीम है उसको भी कभी भी अपने फेस पर, उसे तो कहीं भी यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किन पर कहीं भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल ख़राब है, आपकी स्किन को ख़राब करेगा। आपको पहले तो पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे वो आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देगा। सारी चीज़ें स्किन पर यूज़ करना ठीक नहीं है, इसलिए फेशियल हेयर के लिए हमें घर की ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें घर में बनी हुई जो पैक आज मैं आपको बताऊंगी वो ही यूज़ करिए। उससे आपके फेस के बाल धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट होगी, डेड स्किन भी निकलेगी, ये बहुत सारे आपको फायदे देगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए जो मैं आज आपको होम रेमेडी बताने जा रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच गेहूं का आटा। ये हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है तो मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ मुलैठी पाउडर। मुलैठी आप सबको पता होगा ये बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, स्किन को ब्राइट करती है, आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे हैं तो उसको भी लाइट करती है और ये फेशियल हेयर को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। तो 1 चम्मच आपको मुलैठी पाउडर मिक्स करना है। अब इसमें मिक्स करना है बहुत थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी। आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं। तो 1 पिंच मैं हल्दी मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी नारियल का तेल। आप इसकी जगह सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा नारियल का तेल ले रही हूँ। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़ा गुलाब जल ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और एक पेस्ट बन गया है। अब हम इसको अनवांटेड हेयर जहाँ भी हैं आपके फेस पर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने पूरे फेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, और ये जो पेस्ट हमने बनाया है ना, इसको हमें उन जगहों पे लगाना है जहाँ आपके अनवांटेड हेयर हैं, जैसे कि ये वाले एरिया हो जाता है, यहाँ आपने देखा होगा ये एरिया होता है, फॉरहेड होता है, आप इन जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो जिस तरीके से निकली है आपको वैसे इसको लगाना है। हमारी हेयर ग्रोथ ऐसे होती है, ऐसे होती है नीचे की तरफ, तो हमें इसी तरीके से इसको लगाना है। अब इसको मैंने लगा लिया है और आप इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ करके छुड़ाएंगे। तो ये अभी हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। आप इस पैक को पूरे फेस पर यूज़ कर सकते हो। और तो चलिए अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाएगा तब हम इसको उल्टी दिशा में करके छुड़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इसको क्लीन करूँ। तो देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है, बहुत इजी तरीके से ये क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको हफ्ते में एक बार हमेशा यूज़ करिए। एक बार आप हफ्ते में यूज़ करते हैं तो आपके जो फेशियल हेयर हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे रिमूव हो जाएंगे। आपको कोई भी वैक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी थ्रेड कराने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो इस पैक को आप फुल बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथ पैरों के बालों में भी कर सकते हैं, अपने फेस पर तो आप करना ही है आपको। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मैं मिलूंगी किसी नए दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।